लतीफ खोसा का पीटीआई में आते ही मुस्लिम लीग नून को पहला बड़ा सरप्राइज। किस हलके से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ी खबर आ गई। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में खसूसी गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे मुल्क में जमहूर को उनका हक नहीं दिया जाता और मनपसंद नताइज की कोशिश में हम सब कुछ कर गुजरते हैं। अपनी मर्जी की हुकूमत को लाया जाए, एक बात खुशाइंद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल किया कि आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि अभी तो नहीं, परसों उनकी इमरान खान से मीटिंग है। पहले भी बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है, इनकार नहीं करना, क्योंकि मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। मेजबान ने सवाल किया कि अगर इमरान खान ने कहा आप इंतखाबात लड़ें तो क्या आप कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए तैयार हैं? लतीफ खोसा ने कहा कि अगर उन्होंने कहा। लतीफ खोसा ने खुद ही कहा कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। मेजबान ने कहा इसका मतलब है कि अगर इमरान खान ने कहा तो आप लाहौर से लड़ेंगे। लतीफ खोसा ने कहा 6 करोड़ यूथ नया वोटर खान का शैदाई है, 80-90% पीटीआई का वोटर है लाहौर में। मुखालिफिन की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी।